नेक्स्ट देखते हैं। अब सी आपसे कहा है कि ये स्फेरिकल, ये गॉसियन सरफेस है और दो ही चार्ज है यहाँ पे, एक सेंटर पे और एक बाहर। अब देखो जो फ्लक्स होती है वो केवल अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हम उसे पढ़ते हैं। ए में दिया है बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर। नहीं, Q2 की वजह से नेट फ्लक्स 0 है, तो ए तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। बी बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 कॉन्ट्रीब्यूट टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर, ये भी गलत हो गया। सी ओनली द चार्ज Q1 कॉन्ट्रीब्यूट टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर बट बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब किसी भी पॉइंट पे पी देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, जितने चार्जेस हैं सब अपनी अपनी फील्ड डेवलप करते हैं, ये E1 और ये E2 डेवलप करेगा, तो नेट फील्ड तो सब डेवलप करेंगे, फील्ड सबकी वजह से होगी लेकिन फ्लक्स केवल अंदर वाले की वजह से होती है। तो सी राइट ऑप्शन है।